रुद्राक्ष नहीं शिव है जो वहां अपनी शक्ति की रक्षा के लिए साक्षात होंगे। यदि हमने उस शक्ति पुंज को खंडित करने का प्रयास भी किया तो नाश हमारा होगा, क्योंकि शिव तो अविनाशी है। तो क्या करें माते हम? एक उपाय है मेरे पास। इधर उधर भटकने की बजाय अब हम शिव का अनुसरण करेंगे। अब शिव स्वयं ही हमें शक्ति पिंड तक लेके जाएंगे, और जब अगले शक्ति पिंड का हमें भान हो जाएगा तो उसके और रुद्राक्ष के स्थापित होने से पहले ही हम उसका नाश कर देंगे। देवी सती के 51 टुकड़े जहां जहां गिरे मैं वहां वहां शक्ति पीठ की स्थापना करूंगा, और वो नारी शक्ति के प्रतीक होंगे, प्रेरणा देंगे, संदेश देंगे कि एक नारी किसी भी भूमिका में क्यों ना हो वो स्वतंत्र शक्ति होती है।